अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको स्टोरी टेलिंग जरूर आना चाहिए। अगर आपको स्टोरी टेलिंग नहीं आती है तो आप यूट्यूब पर सक्सेस नहीं हो पाओगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको पता चल जाएगा आगे वीडियो में। अब बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की। तो दोस्तों, स्टोरी टेलिंग वह होता है जो आप अपने वीडियो के अंदर सामने वाली ऑडियंस को बताते हो और अपनी ऑडियंस को कितनी देर तक रोक के रखते हो अपने वीडियो के ऊपर, ये मैटर करता है आपके स्टोरी टेलिंग के ऊपर। अगर आपकी स्टोरी टेलिंग में दम है तो आप अपनी ऑडियंस को शुरू से लेके आखिरी तक रोक पाओगे। अगर आप अपनी ऑडियंस को शुरू से लेके आखिरी तक रोक पाते हो तो आपके वीडियो को वायरल कराने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसा कि आपको पता होगा, आज के टाइम पर शॉर्ट मिनी ब्लॉग चल रहे हैं और उसके अंदर होता क्या है, स्टोरी टेलिंग। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पहले ही वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद में उसके ऊपर स्टोरी टेलिंग करते हैं। तो आपको स्टोरी टेलिंग करना कैसे है सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सोनू ब्लॉग्स के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना। उसके वीडियो के अंदर जो स्टोरी टेलिंग होती है उसी की वजह से उसके वीडियो के ऊपर ऑडियंस रुकी रहती है। जितनी देर तक आप ऑडियंस रोकोगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपका वीडियो ज़रूर वायरल होगा। सोनू ब्लॉग के आप वीडियो जाकर देख लेना, हर एक वीडियो मिलियन में जाता है। वो मिलियन में ऐसे ही नहीं जाता है क्योंकि उसकी स्टोरी में बहुत ज़्यादा दम होता है। और आप स्टोरी टेलिंग करोगे कैसे, अब मेन पॉइंट ये आता है। जब आप स्टोरी टेलिंग करें तो वीडियो के शुरुआत में ही कुछ ऐसा क्वेश्चन मार्क दे दें कि सामने वाले ऑडियंस यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि आगे वीडियो में क्या होने वाला है। यही आपके स्टोरी टेलिंग में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, आप इसके अंदर हिंट कैसे दोगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप अगर डायरेक्ट वॉइस ओवर करते हो तो आप हिंट इतनी आसानी से नहीं दे पाओगे, आप साधारण सा एक वॉइस ओवर कर पाओगे। लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट को बाकायदा लिखते हो तब आप इसके अंदर क्यूरियोसिटी दे सकते हो और सामने वाली ऑडियंस को रोक सकते हो। तो आपको स्क्रिप्ट लिखनी कैसे होगी, आपको लेना होगा एक कॉपी और एक पेन, इतना ही बस, और कुछ नहीं चाहिए। बस आपको करना क्या होगा, आपने जो दिन के अंदर वीडियो पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर रखा है उस वीडियो को सबसे पहले एडिट कर लीजिए। एडिट करने के बाद में फालतू के पार्ट ट्रिम कर दीजिए। फिर इसके बाद में जो आपका मेन पार्ट बचता है उस पार्ट को आप 2-3 बार प्ले करके देखिए कि आपके वीडियो में क्या हो रहा है। उसको जब आप कायदे से समझ लोगे, समझने के बाद में आपको करना क्या होगा, कॉपी पेन लेना होगा। आपको ऐसे ही नहीं लिखना शुरू कर देना है, फिर आपको करना क्या होगा, आपको अपने वीडियो के अंदर मेन पॉइंट ढूंढना होगा जो पॉइंट आपकी ऑडियंस को रोक सकता है। तो आप शुरुआत में ऐसे ही कर देना, जैसे आप कोई बिजनेसमैन हो। मैं एक वीडियो बनाया भी हूँ, सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे का मैं आपको बताता हूँ। आज हमने पूरे 50,000 रुपए कमा लिए, कैसे कमाए वो बताएंगे वीडियो के लास्ट में। आज हमारे दुकान का पूरा गोदाम उलट पलट गया था तो हमारे दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना हम इस गोदाम को पूरी तरीके से सही कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी मेहनत करने के बाद में हमारा गोदाम कुछ इस तरीके से सही हो जाता है। हमारे दुकान में मकड़ियों ने बहुत सारा अतिक्रमण मचा रखा था, मैंने उठाया जाला साफ करने वाला और सारा का सारा जाला छुड़ा दिया। हमने पहले से ही हल्का फुल्का का ऑर्डर कर रखा था तो ये बंदा सामान को लेके आता है और इसका पेमेंट बनता है 940 रुपए, जो कि हमने इसको गिन के दे दिए। हमने एक पिकअप भर के चीनी के कट्टे मंगवाए हैं और ये भाई साहब इन चीनी के कट्टों को पीठ पर लाद कर हमारे गोदाम के अंदर लाइन बाय लाइन सेट कर रहे हैं। हमने जो शुरुआत में 50,000 रुपए दिखाए थे वो इन चीनी के कट्टियों को मंगाने के लिए ही रखा था। भाई साहब हमारे दुकान पर टब वाला निरमा लेके आते हैं तो इनके हमने कुछ निरमे खरीद लिए। जैसा कि आपने हमारा वीडियो देखा, इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्यूरियोसिटी सामने वाले को दी, यहाँ पर मैंने शुरुआत में ही बता दिया आज मैंने कमा लिए हैं 50,000 रुपए। वो कैसे कमाए बताएंगे वीडियो के लास्ट में। अब सामने वाली ऑडियंस को क्या होगा कि यह देखना चाहेंगे कि हमने 50,000 रुपए कैसे कमाए। अब हमने पूरी वीडियो के अंदर स्टोरी टेलिंग की, स्टोरी टेलिंग करने के बाद में लास्ट में मैंने ये बता दिया कि ये 50,000 रुपए मैं चीनी के कट्टे मंगवाने के लिए रखा था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने कमाए हैं। 50,000 कमाने में मेहनत लगती है, एक दिन में नहीं कमाए जा सकते। अब कितना सिंपल सा था, आपने शुरुआत में क्यूरियोसिटी दे दी और लास्ट में बता भी दिया कि ये मेरा मेन उद्देश्य नहीं था कि मैं 50,000 कैसे कमाया हूँ, आपने लास्ट में उसका हिंट भी दे दिया। तो इससे सामने वाली ऑडियंस इरिटेट भी नहीं होगी, आपके में कमेंट भी गलत नहीं करेगी।
जाएगी, क्योंकि आपने लास्ट में सही बात बता भी दी। शुरुआत में भले ही आपने वीडियो में ऑडियंस को रोकने के लिए जो भी बताया हो, लेकिन एंड में तो आपने सही बताया, तो इसलिए ये दोनों पॉइंट आपके लिए मैटर करते हैं। आपने शुरुआत में क्या बताया और लास्ट में आपने उसका कंक्लूजन दिया कि नहीं दिया, ये मेन पॉइंट हो जाते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप स्क्रिप्ट लिखोगे कैसे। कॉपी पेन लिया और लेके बैठ गए, आपको मेन पॉइंट शुरुआत में ही कर देना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर मैंने 50,000 वाली बात की, तो ऐसे ही आपके वीडियो में भी मेन कुछ पॉइंट ऐसा होगा जो सामने वाली ऑडियंस को रोक सकता है, उसको लिखिए। फिर इसके बाद में आप जो है अपने शब्दों को कैसे तोड़ मरोड़ सकते हो, यानी कि जितना तोड़ मरोड़ दो और जितना बात को फनी बना दो, सामने वाली ऑडियंस उतना ज़्यादा एंगेज कर पाती है। इसलिए आप जो भी कहें उसको इतना तोड़ मरोड़ के कहें कि सामने वाली ऑडियंस आपके वीडियो में रुक जाए। तो आप सबसे पहले लिखना शुरू कीजिए और पूरी की पूरी स्टोरी लिख लीजिए। जब आप पूरी स्टोरी लिखते हो, इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप रिकॉर्ड करते हो आवाज़ को तो आप फंसते नहीं हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने लिख रखा है, लिखने के बाद में आप जो पढ़ के बोलोगे वही रिकॉर्ड होगा, तो इससे फंसने के चांस तो आएंगे ही नहीं। और आपकी एक ऐसी स्टोरी टेलिंग होगी कि सामने वाली ऑडियंस उस वीडियो को देख के रुकेगी। तो दोस्तों स्टोरी टेलिंग का मेन महत्व यही है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि स्टोरी टेलिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका वीडियो चलेगा। तो आप लोग अच्छी सी स्टोरी टेलिंग करिए और आपका वीडियो 100% चलेगा। दोस्तों जो मैंने ये वीडियो दिखाया ये मेरे अलबी ब्लॉग 775 करके यूट्यूब चैनल पर है, जिस पर 60,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं जा रहे प्रेजेंट टाइम, क्योंकि मैं इसके ऊपर रेगुलर नहीं रहता हूँ। मेरा मेन चैनल तो ये है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, और वहाँ पर मैं कभी कभी पोस्ट कर देता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर पोस्ट इसीलिए करता हूँ कि उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बता सकूँ कि वहाँ पर मैं ट्रायल करता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ इस चैनल के ऊपर ऐसे ऐसे आप कीजिए जिससे आपका वीडियो वायरल होगा। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आप लोग कमेंट करना, हम उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कमाल की वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।